अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमन जोन। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ चिकन कब्सा की रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए ले लिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ ले लिए है मैंने, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 3 ग्रीन इलायची ले ली है छोटी वाली, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 दाने जो है मैंने काली मिर्च के ले लिए हैं। अब ये मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कब्सा का मसाला जो है वो रेडी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर। आपके पास अगर साबुत जायफल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब एक बर्तन में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल और उसमें डाल दिया है 2 तेज़पत्ते और 2 स्टार एनीस डाल दिया है मैंने, और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए है, जिसके स्लाइस बना के हम डाल देंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे। बट प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं कि प्याज अभी भी हमारी जो है वो रेड नहीं हुई है, सफ़ेद ही है लेकिन सॉफ्ट हो चुकी है। तो 1 से 2 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भूनेंगे ताकि उसकी स्मेल चली जाए। यहाँ पे मैंने 5 ग्रीन चिली चॉप करके डाला है और 3 मीडियम साइज़ के टमाटो, उसे मैंने स्लाइसेस में कट करके वो भी ऐड कर दिया है, और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ पे हमें सॉल्ट इस हिसाब से डालना है कि हमें इसमें चावल भी पकाने हैं, तो वो हिसाब से आपको सॉल्ट डालना होगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैंने कब्सा के लिए जो मसाला रेडी किया है उसके 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे और उसे भी हमें इस मसाले के साथ में मिक्स कर देना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो पानी आप अपने चावल के हिसाब से डालिए, मैं 1/2 kg चावल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, और जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हमारे चिकन के पीस, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि चिकन के मैंने बड़े बड़े पीस रखे हैं। यह है ड्राई लेमन, ड्राई लेमन को धो के हम इसमें डाल देंगे। कब्सा के लिए ड्राई लेमन बहुत ही ज़रूरी होता है। और 10 मिनट के लिए हमें चिकन को ढक के पका लेना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल देंगे बाहर, और जो हमारी यखनी बच गई है इसके अंदर हम डालेंगे धुले हुए चावल। यहाँ पे मैंने 1/2 kg बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, जिसे धो के मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब चावल डालने के बाद हम एक टाइम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढकना नहीं है हमें चावल पकाते वक्त। ये हमारा बचा हुआ कब्सा मसाला है, जिसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और ये मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन पे ये मसाले का कोट करेंगे। तो मसाले को चिकन पे डाल देना है और अच्छी तरह से इसे रब करना है चिकन पे,
और चिकन पे अच्छी तरह से जब मसाला लग जाएगा तो इसे आधे घंटे के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे चावल भी तैयार हो रहे हैं, पानी सूख रहा है तो हम एक बार इसमें चम्मच चला लेंगे इस तरह से। और अभी भी हमें ढकना नहीं है। यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रिल पैन और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और इसमें हम चिकन के पीस रख के इसे ग्रिल कर लेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेना है दोनों साइड से ताकि चिकन पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारी चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है, या इसे शैलो फ्राई भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे चावल भी दम देने के लिए तैयार हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारे चिकन के पीस फ्राई हो चुके हैं इसे चावलों पे रख देंगे इस तरह से, और ढक के हम 5 से 7 मिनट दम दे देंगे। और हमारा कब्सा राइस जो है 5 से 7 मिनट बाद बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे राइस कितने खुले खुले और अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। तो राइस पे हम रख देंगे हमारे चिकन के पीस और इसे हम सर्व करेंगे कब्सा चटनी के साथ में, जो टमाटर से बनी होती है। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मैंने इससे पहले भी कब्सा राइस विद ग्रेवी की वीडियो अपलोड की हुई है जो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।